हेलो दोस्तों, मैं इकबाल शाहिद। आज मैं आपको पेंडोलियम आर्ट का वर्जन, एक नई तकनीक के तीन पेंट इकट्ठे कैसे हम उसको पेंडोलियम आर्ट बना सकते हैं और उसको कैसे हम बनाएंगे। असल बात जो दिखा बताने वाली ये है कि हम उसको कैसे बनाएंगे ताकि वो पेंटिंग बन सके। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे पेंडोलियम आर्ट के वो तीन पेंटिंग को बनाने का, जो मैं आपके सामने रखूँगा, उसका एक सैंपल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक सैंपल ये है जो मैंने बनाया। ये देखिए, ये वही वज़न है। उस वज़न को होल्ड करने के लिए ये देखिए, ये जो पहले पेंडोलियम आर्ट के लिए बनाया था, ये डब्बे और तीन, वही वेट, उसके लिए ये तीन। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये तीन बनाने हैं ताकि इसका जो है वो आप पेंटिंग जो है आसानी से बना सकें। तो आइए करते हैं शुरू। ये जो वुड है, ये वुड ली, ये इसी साइज की हो जिससे ये बाय आसानी इजीली जो है चला जाए एक ही साइज में। इसके किसी किस्म का जो है वो आपको ये नीचे हो ऊपर हो, ये देखें। उसके बाद इस साइज की आपने ये अराउंड एक फुट वुड लेनी है। ये थोड़ी छोटी है लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एक फुट की वुड होगी आपके पास। उस पर उसके बाद आपने लेना है एक मार्कर। मार्कर किस लिए होगा कि इस पे जो हुक लगेगी उसको आपने मिडल में करके यहाँ पे निशान लगाना है। ये जैसे ये देखें, ये निशान लगा हुआ है। इसमें ये हुक आपने बिल्कुल उस जगह पे आपने फिक्स कर देनी है जैसे कि ये लगी हुई है, ये हुक। उसके बाद आपने तीन गिलास लेने हैं। ये तीन गिलास में एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कि इसको जैसे ये हुक किया हमने, इस गिलास को तीन गिलास हमने इसके अराउंड जो है वो हुक स्टेपल कर देने हैं। स्टेपल करने का क्या तरीका है, ये देखिए, ये आपने इस पे निशान लगा लिया। अगर इस पे निशान लगाएंगे तो तमाम तीनों गिलास एक ही साइज में फिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये निशान लगाया, ये निशान लगाया, तो इस पे मैंने, ये देखें, इस जगह पे मैंने इसको स्टेपल करना है। तो स्टेपल करने से पहले मैं यही निशान इस साइड पे भी लगाऊंगा और यही निशान मैं इस साइड पे भी लगाऊंगा ताकि आपके तीनों गिलास जो हैं वो एक ही साइज में, एक ही जो उनका ऊपर नीचे ना हो। अब मैं आपको स्टेपल करके बताऊंगा कि ये मैंने स्टेपलर लिया और स्टेपल लेने के बाद इसको जो है मैंने ये देखिए, ये मैंने आपको ये स्टेपल कर दिया और इससे ही ये तीनों जो हैं मैंने ये स्टेपल किए हैं। ये तीनों स्टेपल हो गए। इनको स्टेपल करने के बाद मैंने यहाँ पे सुराख किए, ये मैंने किसी भी, आप कोई चीज़ ले सकते हैं, की ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इजी है। ये मैं इसमें, ये देखिए, ये सुराख हो गया बिल्कुल इसी साइज का। इसमें मैंने तीनों में सुराख कर लिए। ये तीनों में सुराख करने के बाद मैंने इनको टेप लगा दी, ये टेप लगा दी ताकि जब इसमें मैं फिल करूं पेंट, जब पेंट फिल करूंगा तो ये सुराख में से निकले ना। लेकिन जब मैं पेंटिंग बनाने लगूंगा तो ये तमाम टेप्स मैं
उतार दूंगा सेम टाइम, कोशिश करूंगा सेम टाइम उतार दूं और फिर मैं पेंटिंग को बनाने लग जाऊंगा। तो आइए अब आपको ये मैं बता दूं कि हमने कैसे इसको अब बनाना है। ये जो है पहले मैंने यही चीज़ जो है आपको पहले बताया था मैंने कि ये सिंगल पेंटोलियम के लिए मैंने बनाई थी, ये सिंगल पेंटोलियम, ये यहाँ पे ये दो इसकी हुक में जो है ये फंस जाती है और ये पेंटोलियम। लेकिन अब जो है ये तीन पेंटों के साथ, तो तीन पेंटों को पेंटिंग पेंट बनाने के लिए इसको मुझे निकालना पड़ेगा और इसको मैं होल्ड करूँगा यहाँ पे। ये वज़न ज़रूरी है, ये वज़न होगा इस रस्सी पे, तो ये रस्सी जो है वो आपके पेंट को प्रॉपर जो है वो सर्कल देगी और लास्ट तक जब तक आप पेंटिंग कंप्लीट नहीं कर लेते उस वक्त तक ये वज़न बरकरार रहेगा। देखिए ये देखें, ये देखें, आप बिल्कुल मिडल में इसको रखें, जहाँ पे आपकी कैनवस होगी आपने उसको मिडल में रखना है। मिडल में रखने से आपकी पेंटिंग एंड तक जो है वो कंप्लीट बेहतरीन आपकी मर्जी के मुताबिक बनेगी। ये देखें बिल्कुल इसको वजन ले रही है ये मैंने, ये ऊन की सिंगल डोरी है, कितनी बारीक होगी और जितनी होगी कम से कम 8 से 10 इंच 12 फुट जो है 10 से 12 फुट ये ऊंची होगी, तो स्मूथ आपकी पेंटिंग जो है वो इजीली बनेगी। तो आइए मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे अब इसको हमने पेंट भरना है और इसको हमने पेंटिंग को कंप्लीट करना है। आइए चलते हैं आगे।